ये जो MSP की जो लड़ाई रही है बहुत पुरानी लड़ाई है, 2016 से ही लड़ाई चल रही है। इसमें बीच बीच में जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हार करके हमारे विरुद्ध काफ़ी अवरोध पैदा किए थे। उसके बाद 2018 में फिर इसको लाइन पे लाया गया। फिर उसके बाद 2018 में कई एक डेट पड़ी, डेट पड़ने के बाद कई एक एडजमेंट हुआ। फिर बाद में क्या हुआ कि अभी जो है हमारे जज साहब चेंज हो गए, जिसके कारण कि कोर्ट नंबर 3 से कोर्ट नंबर 4 में आवा। बट नेचुरल है कि चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, कोर्ट का मैटर है, ये केस लंबा चलेगा कि जज को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और भी नया जज आए हैं उनको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि पक्का ये है कि इस केस में हमारी जीत होगी, क्योंकि MNS को जो दिया गया है वो नॉन कॉम्पिटेंट है। वो कहीं से भी जो कॉम्पिटेंट मेम्बर है, जो 5,200 जो अभी ले रहे हैं उनको इक्वल मिलना चाहिए, 15,500 मिलना चाहिए। बीच में MNS को दे करके जो है डिस्क्रिमिनेशन किया है, और कोर्ट को हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीर बहादुर सर आप देखिए, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हम लोग बड़े एक साल से बहुत केस को मजबूती से लड़ रहे थे, समय ले लेके लड़ रहे थे, और ये करीब करीब बहस ऑर्डर में जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी वकील ने 45 मिनट आधा घंटा टाइम मांगा अपने आर्गूमेंट के लिए, तो जज ने पार्टी हट से रिलीज कर दिया। और जो रोस्टर चेंज होता है अनफॉर्चुनेटली इसी समय होता है, इसी पीरियड में होता है, तो ये नई बेंच को चली गई। रोस्टर जो है आर्म फोर्सेस का रोस्टर जो है वो अभी कोर्ट नंबर 4 में लगा है, तो केस भी ट्रांसफ़र हो गया। तो सर आप अपने मुंह से ही बताइए कि अगली डेट भी कितनी मिली है, कितनी तारीख मिली है। ये पहले आप समझ लीजिए, हमने पूरी तैयारी की, बड़ी ज़ोर से दौड़े, सारे एविडेंस इकट्ठे किए, लास्ट मोमेंट पे कोर्ट चेंज हो गया। कोई बात नहीं है, आज जो बहस हुई है ये भी ज़ोरदार बहस हुई है, जज ने अर्ग मान लिया और 16 अप्रैल को 3:30 बजे का समय मुकर्रर किया है पूरे बात सुनने के लिए। आज जो प्रीलिमिनरी ब्रीफिंग करना था कि हम क्यों केस MSP लेके आए हैं, ये हमारे वकील नीतीश गुप्ता जी ने अच्छी तरह से जज को समझा दिया। जज एग्री थे, एग्री करके उन्होंने कह दिया जो अर्ली डेट है 16 को मिली, 16 को 3:30 बजे का टाइम मुकर्रर हो गया। होपफुली हम लोग जीतेंगे। तो जो एक सेटबैक था, सेटबैक ही कहिए, क्योंकि इतने मेहनत करके हम लोगों ने ऑर्डर के करीब जा रहे थे, अचानक बेंच चेंज हो गया, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये रोस्टर चेंज होते रहते हैं साल में, जनवरी का समय होता है, तो उसके उस दायरे में हम लोग फंस गए। लेकिन यहाँ भी बहस बढ़िया हुई है, प्रीलिमिनरी बहस से जज साहब संतुष्ट हैं, और अगले डेट में हार्डली हम आधा घंटा और लेंगे, हम अपनी बहस पूरी कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। और अभी आप देखिए जो है उम्मीद जो है न्यायालय से है, सत्यमेव जयते, इसका ये नारा है हमारा कि सच्चाई की जीत होती है और जीत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, एक दो डेट और लग जाएंगी। क्यों समझे सर? बिल्कुल, हमें जस्टिस राव साहब जो सर्विस मैटर के एक्सपर्ट हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि 16 अप्रैल को या तो जजमेंट मिलेगा या ऑर्डर रिजर्व होगा, वो हमारे फेवर में होगा। डेट और लग सकते हैं भाई, एक दो डेट और लग सकती है, लेकिन अभी के लिए बाकी सब हो चुका है। हमें समय मिल गया तो आधा घंटा में हम अपनी बात कर देंगे, ये ट्रांसफर कर दे यार। थैंक यू सर, जय हिंद जय भारत। अशोक सर, मिलते हैं ऐसी ही खबर के लिए आपको, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उच्चतम न्यायालय से अशोक फौजी, जय हिंद सर।